बच्चों, आप लोग का अपना YouTube चैनल फिजिक्स एट होम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। मैं प्रभात सर आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे तो कैसे उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आज हम लोग उसी में से कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं तो शायद आपको आसानी से बात को समझ में आने लगेगी। मेन होता है कि क्वेश्चंस अगर जब तक नहीं बना पाएंगे ना तो उस कॉन्सेप्ट का कोई वैल्यू है नहीं। तो क्वेश्चंस इजीली बच जाए तो फिर आपके लिए अच्छा। आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करें, इसको थोड़ा इस चैनल को और फेमस करो। आप लोग आपके लिए देखो, आप मेरे पास एक प्रॉब्लम है, जैसे एक एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से। मेरे पास एक करंट दे दी गई I बराबर 24 एम्पियर। ध्यान से देखो, करंट कितनी दी गई 24 एम्पियर। अब आप बताएं इसमें से दिया गया कि तुम्हारे पास ये दो रेजिस्टेंस है। इसमें एक रेजिस्टेंस है R1 इसका 2 ओम और एक दूसरा रेजिस्टेंस इज गिवन R2 इसका 4 ओम। क्लियर? और आपसे बोला गया कि फाइंड करंट थ्रू R1 एंड R2। ये तो जंक्शन है। आपने पढ़ा था कि जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। ये तो जंक्शन है, यहाँ पे जंक्शन इससे करंट चले। वैसे भी बताओ ये रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन? ये रेजिस्टेंस का कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इज करंट डिवाइडर। जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देखे हो पीछे वाले वीडियो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आप देखो उसे। अब बताइए, करंट को डिवाइड कर दिया, इधर R1 गया इधर R2 गया, टोटल करंट कितना आ रही है I, दिस इज द टोटल करंट, इस तरफ से I1 और इस तरफ से I2। यहां I क्या है, I इज द टोटल करंट यहां पर। अब तुम्हारे पास इसमें देखा, क्या जानते हो कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, आप जानते हो कि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हमने पहले पीछे भी देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, कि जो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसमें करंट कम जा रही थी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो करंट घटेगा, जब आपके पास क्या होगा रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। अब आप देखिए इस बात को, तो अब इसी बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं I1 is to I2 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2। क्या लिखा जा सकता है, I1 is to I2 is equal to 1 by R1 is to 1 by R2। क्लियर? अब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 by R1 के जगह पर कितना मेरे पास 2, ये 1 by 4। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by आप ये 2 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 4 का एलसीएम ऑफ 2 4 इज इक्वल टू आपके लिए कितना हो जाएगा 4। 2 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो नाउ आपको क्या करना है, 1 by 2 into 4 इस एलसीएम से डिवाइड करना, 2 into 4 into एलसीएम 1 by 4 into LCM। क्लियर? आप याद रखना कि ये चीजें जो प्रोसेस में समझा रहा हूं, जो नीचे में है उसका आप LCM ले और उसी LCM से इस दोनों को मल्टीप्लाई करें। रिजल्ट आपके पास अब क्या दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा कि I1 is to I2 is equal to 1 by 2 into 4 is to 1 by 4 into 4। Y1 is to I2 is equal to 2 1, क्या 2 is to 1? तो बताओ इसका क्या मतलब निकला, कि अभी आप लिख सकते हैं I1 is equal to I2 is equal to 2 1। अभी ये रेशियो आ गया, यानी करंट अगर I1 है is equal to 2 I2। कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या आप लोग को?
अब बात को समझ में आया क्या करना है प्रोसेस, देख कैसे जो मैं सोल्व किया उसको देख ले। मेरे पास दो रेजिस्टेंस है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, एक से करंट I1 जा रही है, दूसरे से I2 जा रही है। आपके लिए पूछा नेट करंट कितना जा रही है, 24 एम्पियर। अब आपसे पूछा कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करेंगे, आई वन आई टू तो आपको निकल गया रेशियो, आप देख ले सकते हो आई वन इज टू आई टू। अब आप क्या करेंगे, आप आई वन लिखेंगे आई वन इज कर टू, आई वन इज कर टू। जब आप लिखेंगे तो आई वन आपके लिए देखो, आप ध्यान से यहां देख आई वन कितना है, टू। तो आई वन को यहां टू लिखेंगे एंड बाय टू प्लस वन लिखेंगे। देख I1 के लिए यहां 2 लेंगे, उसके बाद 2 प्लस 1 लिखेंगे और इनटू इनटू टोटल करंट लिखेंगे। टोटल करंट अब बताते हैं यहां 2 बाय 3 इनटू 24 एम्पियर। नाउ दिस इज द 8, इसके तो 16 एम्पियर। क्लियर? ठीक इसी तरह से हम बात कर सकते हैं किसके लिए, अब बताओ किसके लिए बात कर सकते हैं हम लोग, I2 के लिए। नाउ I2 इज इक्वल टू, I2 का कितना है 1, अब ध्यान से देखो I2 का 1, तो 1 डालेंगे एंड बाय क्या लिखेंगे 2 प्लस 1। तो नाउ 2 प्लस 1 इनटू टोटल करंट, तो टोटल करंट कितना है 24 एम्पियर। तो नाउ कितना आ जाएगा आपके पास 1 बाय 3 इनटू 8, ये 3 3 से कट गया, कितना आ गया 8 एम्पियर। That's your answer. दिमाग में डालो, क्या आपने सीखा कि मेरे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल थे, दो रेजिस्टेंस पैरेलल थे, उससे नेट करंट कितना पास कर रहे थे 24 एम्पियर। तो सेपरेटली मैंने I1 और I2 कैसे निकाला, तो आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का क्या होगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, I1 रेशियो I2 आप लिख सकते हैं ऐसे। आपको फिर क्या था, इसका एलसीएम निकालना था, एलसीएम को आप इससे मल्टीप्लाई कर देना था, जो भी आया। अब आपके लिए I1 आप देख सकते हैं, I1 के लिए 2 है, तो 2 लेंगे और 2 को डिवाइड करेंगे इस दोनों को जोड़कर और उसको मल्टीप्लाई किए किससे, टोटल करंट से, आपका निकल गया। क्या क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लिए, कोई दिक्कत है इसमें, फिर आगे बढ़े हम लोग। अब एक नया एग्जाम्पल देखते हैं उसी पर बेस। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये करंट जा रही है I is equal to, आप ध्यान से देखना I is equal to है मेरे पास 12 एम्पियर, और अब मेरे पास है यहां पर एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R1 is equal to 2 ओम, एक दूसरा रेजिस्टेंस है मेरे पास यहां पर R2 is equal to 3 ओम, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से मेरे लिए, यहाँ R3 is equal to 4 ohm। अब मुझसे पूछा क्या, इससे करंट I1, इससे करंट I1, इससे करंट I2 और इससे करंट I3। अब क्वेश्चन को सही से देख लो, ये टोटल करंट कितना है 12 एम्पियर, ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन, बात समझ में आ रही है, तीनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीनों रेजिस्टेंस से करंट जा रही है एक से I1, एक से I2 और एक से I3। टोटल करंट कितना है 12 एम्पियर, कोई कंफ्यूजन तो इसमें है नहीं। मुझसे पूछा कि I1, ये I1 I2 और R3 निकाले, फाइंड करंट थ्रू रेजिस्टेंसेस। अब इस रेजिस्टेंसेस से हमारे पास क्या करना है, आपके लिए करंट फाइंड करना है। नेट करंट यहां कितना है, टोटल करंट कितना है 12 एम्पियर, रेजिस्टेंस एक R1 एक R2 और एक R3, ये I1 I2 और R3, अब I1 I2 और I3 और R1 R2 और R3, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है वो किसमें आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आपके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी हमने क्या सिखाया था, क्या मैं डायरेक्ट ऐसा कर दूं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R, किसके लिए फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके लिए कितना है, आपके लिए तो आप ध्यान से I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो बता मैं लिख सकता हूं ऐसा I1 is to I2 is to I3 is equal to 1 by R1 1 by R2 is to 1 by R3।
ये सब करना आप सीखो तभी सर्किट का सोल्व होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आप लोग को। अब 1/R1 = 1/R2 = 1/R3 अब आप क्या लिख सकते हैं 1/2 = 1/3 = 1/4 एनी प्रॉब्लम। अब आप इस तीनों चारों का एलसीएम लें तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 4 कितने हो जाएंगे 2, 2, 4, 12। अब आप इसको क्या करेंगे 1/2। अब हमारे पास प्रोसेस क्या है, अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या मैं लिख सकता हूं, अब 1:2 = 2 मेरे पास कितना है 1/2 × LCM = 1/3 × LCM एंड 1/4 × LCM। कोई कंफ्यूजन है इसमें क्या, प्रोसेस को समझ ले, कोई दिक्कत है। अब आप देख सारे को एलसीएम को मल्टीप्लाई कर तो 1/2 और एलसीएम मेरे पास 12, 1/3 12, 1/4 × 12 नाउ 6, 4 एंड 3। अब तुम्हारे पास आया I1, I2 और I3 का रेशियो 6, 4, 3। अब सब को जोड़ पहले तो 6 + 4 + 3 दैट इज 13, टोटल कितना है 13, इस सब को जोड़िए। अब I1 लीजिए, I1 का कितना है आपके पास, I1 के लिए क्या है 6, अब ध्यान से देख I1 के लिए है 6 तो लिखेंगे 6/13 into टोटल करंट, तो 6/13 × total current 12 अब ये आपके लिए कितना आएगा 72/13 एम्पियर। ठीक इसी तरह से मैं अब I2 लिखूंगा तो I2 के लिए कितना है 4, देख ले I2 का क्या है 4 4/13 × total current नाउ 4/13 × 12 दिस इज द 48/13 एम्पियर। I3, अब I3 तुम्हारे पास यहां क्या है 3, तो 3/13 × total current = 3/13 × 12 = 36/13 एम्पियर। क्या मैं अभी सारी चीजें लिख सकता हूं, क्या क्वेश्चंस बना सकते हो इजिली, एक बार नहीं एक दो बार खुद से भी अपने घर पे प्रैक्टिस करके आप इसको देखो, कोई दिक्कत है क्या नहीं, फिर हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। ये बात तो समझ में आ गई, इसको पॉज करो सही से खुद से प्रैक्टिस करो, एक बार खुद पॉज करके खुद से क्वेश्चन लिखो बना के देखो फिर आपके लिए आगे बढ़ो। अब हम लोग एक और एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम से देखा इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर तो इजिली आपको सर्किट सोल्व होने लगेंगे। देखिए एक बैटरी है, इस बैटरी से एक कार्बन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और ये क्या है आपके रिकॉर्ड से देख, यहाँ पे क्या है ये जंक्शन है 1, 2, 3 3 वायर्स है, ये जंक्शन है, क्या जंक्शन से पहले कितने रेजिस्टेंस है सिर्फ एक, तो क्या वो सीरीज में है या पैरेलल है, कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं है। लेकिन गौर से देखिए R2 और R3 ये किसमें आपके लिए पैरेलल में स्पष्ट दिखता है, ये दूसरे के पैरेलल है। तो मेरे पास पूछ जा रहा है, देख पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट निकाले, पूछ रहा है नेट करंट निकाले एंड करंट थ्रू R1, R2 और R3, इस R1 से इस R2 से और इस R3 से करंट पूछ रहा है। कंफ्यूजन है क्वेश्चन में नहीं, मैं सॉल्यूशन आप करता हूं, ध्यान से क्वेश्चंस को देख लो पॉज करके लिख लो और मैं सॉल्यूशन करता हूं। अब बता करंट तो यहां से चलेगी आई, अब करंट यहां से चली यहां से आई गई, ये ऐसे आई, क्या ये जंक्शन है, तो बता यहां जंक्शन पे क्या होने वाला है, इधर चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2। अब देख ध्यान से मुझे क्या पूछा है नेट इक्वल, तो बताइए दोनों किसमें है पैरेलल में, तो आप इसको देखो ना सिर्फ आप इसको देखो, यहाँ R1 है, ये आपके लिए R2 है और ये आपके लिए क्या है R3 है, तो ये किसमें आपके लिए है पैरेलल, तो आप इसको ले सकते हैं दिस इज द पैरेलल। अब पैरेलल है तो इस दोनों का कितना हो जाएगा, याद कर दो जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं R2 × R3 / R2 + R3 याद है,
नहीं है तो पहले पैरेलल वीडियो वाले पैरेलल रेजिस्टेंस वाले वीडियो को देखो और बात को समझो। क्या इस दोनों का हम ये लिख सकते हैं, इस दोनों के लिए R2 × R3, ये मेरे पास है 6 3 और ये 6, यहाँ पर 3 + 6 कितना हो गया 18/9, दैट इज द 2 ओम। अब यहां पर मेरे पास ये भी दिया हुआ है 2 ओम, तो बता ये दोनों मिलकर कितना बन गया 2 ओम। तो अब मेरे पास सर्किट कितने हो जाएंगे, नाउ R1 is 2 ओम एंड दैट इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज 2 ओम। अब बता मेरे पास तो अब नेट कितना आ जाएगा। अब बता क्या यहां से यहां तक कोई जंक्शन है, क्या कोई जंक्शन नहीं है, तो ये सब किसमें है, सीरीज में। तो बता यहाँ आर इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, 2 ओम + 2 ओम, नाउ दिस इज द 4 ओम। तो बता तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम, फिर जो आंसर। अच्छा अब देख बता सेकंड पार्ट में मुझे क्या पूछता है, आपने पढ़ा था याद है I = V and Y are equivalent, याद है, दिस इज द नेट करंट, दिस इज योर नेट करंट एंड V इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी, बता वोल्टेज ऑफ बैटरी कितना है 12 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास 4 ओम, नाउ दिस इज द 3 एम्पियर। तो नेट करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, क्लियर, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। तो आप इसको सही से पॉज करो और लिखो। अब देख इसमें मेरे पास क्या पता चला, मेरे पास नेट करंट पता चल गया, नेट सब कुछ पता चल गया, तो आप बताओ इससे कितनी करंट पास कर रही है, यही आई मैं इस आर वन से पास कर रही है, तो आर वन से पास करने वाला करंट कौन है आई, और आई कितना है दैट इज द 3 एम्पियर। तो बता यहां से यहां तक तो आएगा दैट इज द 3 एम्पियर। अब ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं I1 = I2 = 1/R2 / 1/R3, ये दो रेजिस्टेंस है, इससे आई वन जा रही है और इससे आई टू। अब बता इसमें क्या लिख सकता हूं 1/3 1/6, अब मैं इसका एलसीएम लू तो यहां पर एलसीएम कितने हो जाएंगे, कोई बताएगा मुझे एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 3 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 6। अब मेरे पास ये एलसीएम हो गया 6। अब आप देख तुम्हारे लिए क्या बात हो सकती है, अब इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, एलसीएम इज टू 1/6 × LCM, तो फाइनल क्या बचेगा 1/3 × 6 1/6 × 6, नाउ 2 is to 1, क्लियर। तो बता आई वन आई कितना निकल गया, I1 is to I2 is equal to 2 is to 1, कोई प्रॉब्लम है इसमें। अब आप देख कितना लिख सकता हूं मैं, क्या I1 लिख सकता हूं, I1 का यहां कौन है 2, I1 के लिए यहां कौन है 2, तो 2/2 + 1, क्या इस दोनों को ऐड करेंगे, ये दो लिखेंगे और इस दोनों को ऐड करके डिवाइड देंगे और यहां क्या लिखेंगे टोटल करंट। तो बता अब यहां पर मेरे पास 2/3 टोटल करंट कितना निकला है 3, टोटल करंट कितना है आपके पास 3 ही है ना नेट करंट, नाउ 3 दिस इज द 2 एम्पियर, नाउ I2, तो I2 के लिए क्या लेंगे, I2 का है 1, तो लिखेंगे 1/3 × 3 टोटल करंट दैट इज द 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे, आप उसको समझ सकते हो कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत है, आप इसको पहले क्वेश्चंस को लिख लो, क्वेश्चंस को सही से लिखो, फिर हम लोग आगे इसमें काम करें, सॉल्यूशन करें आप। सबसे पहले हम लोग इसमें इसका नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो गौर से देख ये और ये तीनों किसमें है पैरेलल में है, ध्यान से देख R1, R2 और R3 ऑल आर इन पैरेलल, पहले इस तीनों को जोड़ दो। अभी हम क्या लिखेंगे कि R1, R2, R3 are in parallel, जब ये पैरेलल है तो क्या लिखा जाएगा R यहां पर क्या लिख सकते हैं 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1 की जगह पर 2 + 1/1 + 1/4, एलसीएम इस कितना हो जाएगा आपके पास 4, नाउ 2 + 4 = 1, नाउ 7/4, अब ये पलट देंगे
कितना आ जाएगा आर बटा फोर बटा सेवन। तो बताइए टोटल बराबर कितना आ गया मेरे पास, ना टोटल इसका आर इसका टू आ गया मेरे पास फोर बाय सेवन। तो बता दिए कैसा दिखेगा सर्किट, ना आर इसका टू फोर बाय सेवन और इस फोर बाय से इतना तो ये तीनों मिलके फोर बाय सेवन, तो उससे कौन जुड़ा हुआ है आर फोर एंड आर फोर इज टू ओम। अब बताओ मुझे टोटल कितना, ये दोनों किस में दिखते हैं सीरीज या पैरेलल में, सीरीज में, तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर आर प्लस आर फोर फोर बाय सेवन प्लस टू कितना होगा फोर प्लस फोर्टीन बाय सेवन नाउ एटीन बाय सेवन ओम। क्या आपका आर इक्विवेलेंट निकल गया, क्या आप आर इक्विवेलेंट निकालना सीखे, क्या करना था, ये तीनों मेरे पैरेलल में था तो पहले इसको मैंने ऐड किया, दूसरा पैरेलल में ऐड किया तो मेरे पास कितना मिला फोर बाय सेवन। तो जब ये फोर बाय सेवन है तो उससे ये कितना हो जाएगा प्लस टू, फोर बाय सेवन प्लस टू, क्यों ये और ये किसमें है सीरीज में हो जाएंगे, तो आपके पास देख लो तो आपके लिए कितना हो जाएगा दिस इज द सीरीज, तो टोटल आपके लिए हो जाएगा एटीन बाय सेवन। आप लिख सकते हो इसको, ये प्लस है ये माइनस है, करंट यहां से चली होगी यहां से आई होगी, ये ऐसे इधर गया होगा आई वन इधर आई टू एंड इधर आई थ्री, फिर इधर से आया होगा आई वन इधर से आई टू फिर इधर से आई थ्री, क्या ये जंक्शन है और टोटल मिलकर आई, क्या आई बराबर लिख सकते आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आपको पता होगा कि जंक्शन पे करंट क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, जंक्शन पर करंट क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, तो करंट तो यहां से जंक्शन पे आई दिस इज योर जंक्शन और वो तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आई वन आई टू और आई थ्री में इधर से। अब बता क्या मैं लिख सकता हूं आई वन इज टू आई टू इज टू आई थ्री, क्यों ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि देख ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है पैरेलल में, और पैरेलल में आप जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं लिख सकता हूं वन बाय आर वन वन बाय आर टू एंड वन बाय आर थ्री, क्या मैं लिख सकता हूं वन बाय आर वन की जगह पर टू वन बाय फोर वन और वन बाय फोर, क्या इसका एलसीएम लेंगे टू वन एलसीएम ऑफ टू फोर इक्वल टू फोर, क्या मैं एलसीएम से आप इसको आई वन आई टू एंड आई थ्री इक्वल टू आपके लिए कितना आ जाएगा, हम लोग आई वन आई टू और आई थ्री कितना ले सकते हैं वन बाय टू एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है एलसीएम वन बाय वन एलसीएम और फिर फोर इंटू एलसीएम। अब देख तुम्हारे पास वन बाय टू एलसीएम तो फोर है वन बाय वन फोर और वन बाय फोर इंटू फोर नाउ टू टू इज टू फोर इज टू वन। अब आपके पास कितना आ गया टू इज टू फोर इज टू वन, इसमें तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपको कितनी करंट किससे पास करें किस रेशियो में पता चल जाएगा, मुझसे देख नेट करंट कितना होगा, तो याद है नेट करंट फॉर्मूला देख, क्या आप लोग को अगर याद है तो आप देख सकते हैं इसे कुछ इस तरह से, आपको क्या चाहिए नेट करंट चाहिए, तो बता नेट करंट आई इक्वल टू याद होगा वी बाय आर इक्विवेलेंट, तो वी कितना है मेरे पास 36 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट मुझे कितना आया था आर इक्विवेलेंट मुझे कितना आ गया था याद है कितना आया था 18 बाय 7। अब ये 7 ओम, क्या ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया ये 2 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 एम्पियर दैट इज द 14 एम्पियर। क्या बातें सब आपको समझ में आ रही है कि नेट करंट आप निकाल सकते हैं वोल्टेज बाय आर इक्विवेलेंट, तो यह वोल्टेज कितना 36 वोल्ट एंड आर इक्विवेलेंट आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब आप इसमें से आई वन आई टू और आर थ्री भी निकाल सकते हो, आप लिख लो, क्या मैं आई वन लिखूं तो आई वन के लिए कितना है देखिए यहां पर टू है आई वन के लिए, तो मैं लिखूंगा टू और नीचे में क्या करूंगा सबको एड करूंगा तो टू प्लस फोर प्लस वन इंटू आई दिस इज द नेट करंट, तो कितना आ जाएगा टू बाय सेवन इंटू कितने आ जाएंगे 14 एम्पियर नाउ टू इक्वल टू 4 एम्पियर और आई टू इक्वल टू क्या लिखूंगा तो आई टू के लिए कौन है 4 तो ना 4 बाय टू प्लस फोर प्लस वन
इंटू आई नाउ 4 इंटू 14 एम्पियर बाय 7 नाउ 2 इसकल टू 8 एम्पियर आई 3 इसकल टू 4 8 इसके लिए कितना था 1 तो 1 बाय 2 प्लस 4 प्लस 1 इंटू आई इज 1 बाय 7 इंटू 14 एम्पियर नाउ दिस इज द 2 एम्पियर। अब आपके लिए देख कितना हो गया, सारे चीजें आपके निकल गए, कोई दिक्कत इसमें, आई वन आई टू आई थ्री सब निकल गया सबका। अब मुझे लास्ट में क्या पूछा था, मुझे अब आशा करते कि आप लोग को ये करंट डिवाइड करके निकालना आ गया होगा, क्लियर। अब मुझे क्या पूछा, वोल्टेज, तो बता वोल्टेज ऑफ आर वन क्या होगा, आई वन इंटू आर वन, इसका वोल्टेज क्या होगा, आई टू इंटू आर टू, इसका वोल्टेज क्या होगा, आई थ्री इंटू आर थ्री, कोई दिक्कत इसमें, चलो सबको लिख लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं, वोल्टेज ऑफ आर वन इज आई वन आर वन, आई वन कितना है मेरे पास 4 एम्पियर, ये कितना है 2 ओम नाउ 8 वोल्ट। अब मैं लिख सकता हूं वोल्टेज ऑफ आर टू इजकल टू आई टू आर टू, तो आई टू मेरे पास कितना था, आई टू है 8 एम्पियर और मेरे पास कितना है 1 ओम, दिस इज द 8 वोल्ट ऑल्सो। अब देख आर थ्री, अब मेरे पास आई थ्री, आर थ्री, आई थ्री क्या है मेरे पास 2 एम्पियर और इसका कितना है 4 ओम। आप देखो एक चीज आप ध्यान से देखो, क्या ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में था, ध्यान से देख, क्या तीनों रेजिस्टेंस जब पैरेलल में था तो देख तीनों का वोल्टेज आर वन आर टू क्या सेम आया, बात समझ रहे हो ना, जब भी पैरेलल में होगा सबका वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, कोई कंफ्यूजन तो अब नहीं है। अब आप देख ले आर वन आर टू और आर थ्री इसी वे में आ गया, कोई दिक्कत इसमें कहीं से भी। अब आप देख अब इसका क्या होगा, वोल्टेज ऑफ आर फोर इज इक्वल टू आई आर फोर, तो आई मेरे पास कितना था याद है 14 एम्पियर और आर फोर कितना है 2 ओम, नाउ कितना होगा 28 वोल्ट, क्लियर। अब बताओ 28 और 8 कितना होता है 28 और 8 कितना होता है 36, दैट इज 36। ये तीनों मिलकर कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है 8 वोल्ट और ये अकेले कितना कर रहा है 28 वोल्ट, बात समझ में आ रही क्या कर रहा है। तो आपके पास इस सारा प्रोसेस को क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूं, आप तुम क्वेश्चंस को इसी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे उसी कॉन्सेप्ट पर देखे कैसी वर्ग, जो अभी हमने क्वेश्चंस 2-3 प्रैक्टिस किए हैं उसके बेस पर देखे क्वेश्चंस ऐसी वर्मा में गिवन है, पेज नंबर है 199 वॉल्यूम है 2 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नंबर है 28। क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू फिगर इफ करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर, ये स्मॉल एम है दैट इज द मिली, तो 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो ओम, ये 5 किलो ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रही है 12 मिली एम्पियर, उसका फाइंड द करंट इन द अदर 3 रेजिस्टर्स, तो बोलता है कि इससे करंट और इससे करंट कितनी पास करेगी। उसके बाद पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और पूछता है इसके और इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्या निकालना आसान है, अगर खुद से बना सकते हो तो इसको पॉज करो खुद से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है पहले क्वेश्चंस को लिख लो सही से। अब मैं इसको सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं क्योंकि मुझे क्या पूछा है देख टोटल करंट गिवन है, ये टोटल करंट आई ए से कहां जा रही है बी की ओर, तो टोटल करंट इज गिवन, अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकाल लूं तो वोल्टेज निकल जाएगा, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे आर इक्विवेलेंट की, तो बता ये और ये किसमें दिखता है, ये तुम्हारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दिस इज द पैरेलल, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद कीजिए आर बराबर जब दो रेजिस्टेंस रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं आर वन इंटू आर टू एम बाय आर वन प्लस आर टू, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई है पैरेलल कॉम्बिनेशन के समय में। तो अब आप इसको देख ले क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10 बाय 20 प्लस 10 तो नाउ 200 बाय 30 नाउ दिस इज द 20 बाय 3, क्लियर। ये दोनों मिलकर कितना हो गया, तो अब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, दिस इज द 5 किलो ओम,
अब आपके लिए कितना जाएगा आपके लिए यहाँ पर, ये भी तो किलो ओम में होगा ना। अब ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 20/3 किलो ओम, 20/3 किलो ओम, और ये कितना आपके लिए रेस्ट बच गया, 100 किलो ओम। अब देख लो ध्यान से, ये पॉइंट कौन है ए, और ये पॉइंट कौन है बी, और करंट पास कर रही है कितना मेरे पास, 12 मिली एम्पियर। अब गौर से देख, यहां से यहां तक करंट जा रही है वो कितना है, 12 मिली एम्पियर। बता ये तीनों किस में है, कहीं पर भी जंक्शन है क्या ए और बी के बीच में, कहीं पर भी नहीं है, ए और बी के बीच में कोई जंक्शन नहीं है, तो क्या ये तीनों सीरीज में है, तो तीनों सीरीज में है, क्या मैं जोड़ सकता हूं, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 + 20/3 एंड बाय 100 नाउ 15/20/300 एंड बाय 3। तो नाउ लुक एट दिस, कितना जाएगा आपके लिए, तो 335 एंड बाय 3, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। क्या टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, फिर से चेक कर लो, क्या ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है दोनों, तो आपके लिए क्या करना है, जब दो पैरेलल में हो तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, तो 20 × 10/20+10, तो 20/3। अब मेरे पास क्या है, यह 5 है तो 5 है, ये दोनों मिलकर कितना बन गया, 20/3, और ये रेस्ट ये बच गया। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि कोई भी जंक्शन नहीं है, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। अब आपके पास 5 + 20+3, क्या इसका 3 LCM होगा, 15, 20 एंड 300, नाउ 335/3, कोई दिक्कत इसमें, अब तो मेरे पास निकल गया ये चीज। अब बता कोई प्रॉब्लम है इसमें, अब देख मैं क्या कर सकता हूं, अब इसके लिए, अब मैं इसके लिए सिंपल सा एक आइडिया लगा सकता हूं, और वो आइडिया क्या है, ये पॉइंट है ए, अब ये आर इक्विवेलेंट है, और आर इक्विवेलेंट कितना है, 335/3 एंड नाउ पॉइंट इज बी, और इससे करंट कितना पास कर रहा है, तो करंट पास कर रही है कितना, 12 मिली एम्पियर, और ये कितना होगा किलो ओम, किलो में है ना सारा, अब ध्यान से देख लो, सारे किलो में दिए हुए, तो मैं किलो ओम लिखा। अब आप बता तो क्या लिख सकते हैं, करंट तो यहां से यहां जा रही है, तो क्या लिख सकते हैं, Va - Vb, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच, तो कितना लिखेंगे, I × R equivalent, तो I कितना होगा मेरे पास, 12 मिली है, तो मिली के आपके लिए क्या लिख सकते हैं, मिली एम्पियर, और इसके जगह पर 335/3 किलो ओम, कोई कंफ्यूजन है क्या, आप इसको कट कर सकते हो, कितना हो गया 4, इसको करो कितना आ जाएगा, 20/4 एंड 14, अब बताओ कितना हो जाएगा, मिली इंटू किलो, और ये कितना हो जाएगा वोल्ट, मिली का मतलब आप लोग को पता होगा, मिली का मतलब 10^-3, और किलो का मतलब 10^+3, मिली मतलब 10^-3 और किलो मतलब 10^+3, तो क्या ये और ये कैंसिल, कितना बच गया, 1440 वोल्ट, कोई कंफ्यूजन है इसमें, आप देख सकते हो आप इसको कैसे बनाया गया, 5 × 20, हाँ 1300, इसको सही करो, ये कुछ ऐसे होगा। अब आपके पास देख ये चीज तो निकल गई, हमसे क्या पूछा गया था, इस ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो क्या मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाला, क्या ये दोनों पैरेलल में था, तो पैरेलल लिखा, फिर सब मैंने आर इक्विवेलेंट निकाला, फिर मैं अब इसके और इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट का क्या मतलब था, क्या बोला था मैंने कि सर्किट में जितने रेजिस्टेंस हो सबको रिप्लेस करके एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना, तो मैंने सारे को कन्वर्ट किया किस में, एक में, और वो एक कितना है, 335/3 किलो, अब इससे करंट कितना बह रही है, 12 मिली एम्पियर, अब इसका निकल गया मेरे पास। चले आगे बढ़े, आप क्या पता ये जंक्शन है, इससे करंट कितना आएगी, I1, और इससे करंट कितना जाएगी, I2, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो आप क्या लिखिएगा, I1 = I2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे, 1/R1 = 1/R2, तो 1/20, 1/10, नाउ कितना हो जाएगा, 1/2 = 1, अब आप
हो जाएगा ऐसा। अब आप देख वन बाय वन, अब इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं आपके लिए, एलसीएम ऑफ टू वन इज टू, ना वन बाय टू इंटू टू, वन बाय वन इज इक्वल टू टू, ना कैंसिल वन इज टू टू, तो क्या लिख सकते हैं आई वन इज टू, आई टू इज इक्वल टू वन इज टू टू, तो कंफ्यूज है इसमें। अब आप देख मेरे पास कितना लिख सकता हूं, आई वन इज इक्वल टू, आई वन के लिए क्या है वन, इस दोनों को ऐड करेंगे तो वन प्लस टू इंटू आई नेट करंट, तो बताओ वन बाय थ्री नेट करंट मेरे पास कितना दिया हुआ, फाइव किलो ओम, सॉरी मेरे पास कितना दिया हुआ, ट्वेल्व मिली एम्पियर, नेट करंट कितना है ट्वेल्व मिली एम्पियर, नाउ फोर, नाउ दिस इज द फोर मिली एम्पियर। अब आपके पास है आई टू, आई टू के लिए क्या लिख सकता हूं, आई टू मेरे लिए क्या है टू, नाउ टू वन प्लस थ्री इंटू आई टू बाय वन प्लस टू, सॉरी नाउ थ्री इंटू आई वह ट्वेल्व मिली एम्पियर, कट करेंगे फोर, नाउ दिस आर एट मिली एम्पियर। क्या इससे करंट पता चल गई, कितना चला गया फोर मिली एम्पियर, इससे कितना चला गया एट, आप ये दोनों मिलकर फिर यहाँ कितना आ जाएगा ट्वेल्व मिली एम्पियर। क्या सभी रेजिस्टेंस से करंट पता चल गया, इससे ट्वेल्व, इससे कितना फोर, इससे कितना एट, फिर इससे कितना ट्वेल्व, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपके लिए आ गया था 1340 वोल्ट। क्या सारी बातें समझ में आ गई, क्या आप ऐसे क्वेश्चन कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मैं समझू कि आप लोग सीख गए हो, नहीं तो खुद प्रैक्टिस करके आप एक बार देख भी सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। चलो आगे बढ़े, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखते हैं कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये आपका एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 है, वॉल्यूम जो एसी वर्मा दो वॉल्यूम में है, तो आपका वॉल्यूम टू और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, अब जाके बुक होगा तो आप देख भी सकते। अब आपको बताना है कि अच्छा देखने में क्या लगता है कि सब सीरीज में यहाँ जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है, यहाँ जंक्शन है, क्या ये आपको लगता है कि ये सीरीज में होगा, नहीं होगा, देखने में लगता है ये सीरीज में है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे ऐसे सर्किट को, तो जब ऐसे वायर हो, सपोज दैट देख आप कॉन्सेप्ट को देख, कॉन्सेप्ट यू इस्तेमाल करना ठीक, अगर ऐसा वायर है कहीं पर, ऐसा वायर है तो आपके लिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इससे करंट अगर पास कर रही है, अगर ये एक वैसा वायर है और इसमें कोई रेजिस्टेंस का साइन नहीं, इसका मतलब है आर इज जीरो। अगर इस तरह के एक वायर है दिए हुए, अगर ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, इसका मतलब है वी एक्स बराबर वी वाई, यानी अब आपके लिए लिख सकते हैं वी एक्स माइनस वी वाई आई आर एंड आई इंटू जीरो, वी एक्स माइनस वी वाई इज जीरो, और इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आप ध्यान से देखा कॉन्सेप्ट को समझ सही से, अगर एक ऐसा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके एक इंड और दूसरे इंड दोनों इंड का पोटेंशियल सेम होगा, अगर एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, तो आपके लिए ध्यान से देख उसके दोनों इंड का पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा, और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, क्लियर, इसमें तो अब कोई दो बात नहीं है। अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, अब इसको समझना ध्यान से कितना आसान से बन जाएगा, देखने में जो भी लगता है इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और बन जाएगा, क्वेश्चन लिख लिए हो या बुक होगा आप देख लोगे उसको। अब देख इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अब कुछ हम लोग इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बता दो अगर ये वायर को देख, इस वायर का क्या आर इज जीरो, इस वायर का भी आर इज इक्वल टू जीरो, इस वायर का एक इंड कहां से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट ए से, तो बता इस पॉइंट ए से, तो यहां जितना पोटेंशियल होगा क्या इस वायर, जैसे देखा एक वायर है जिसका आर जीरो है, तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, दोनों का पोटेंशियल यहाँ ए, तो यहां भी ए रखा जाएगा, ठीक उसी तरह इस वायर का एक इंड यहां किससे जुड़ा होगा बी से, तो यहां भी क्या होगा बी होगा। अब अगर मैं बात करूं यहां एक पॉइंट लिया ए और एक दूसरा पॉइंट लिया बी,
ध्यान से देख, मैंने एक पॉइंट लिया ए और एक दूसरा पॉइंट लिया बी। अब बता कि ये ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। फिर देख ए और बी के बीच फिर एक रेजिस्टेंस है आर। फिर देख ए और बी के बीच फिर एक रेजिस्टेंस है, दैट इज आर। अब गौर से देख क्या तीनों किसमें दिखता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी। अब बता ये तीनों किसमें आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब क्या लिखेंगे, वन बाय आर ए बी, इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट बराबर वन बाय आर प्लस वन बाय आर प्लस वन बाय आर। नाउ थ्री बाय आर, क्या आर ए बी पलट दीजिएगा कितना हो जाएगा, आर बाय थ्री। क्या कॉन्सेप्ट काम किया कि अगर वायर, अगर वायर में आर जीरो हो तो उसके दोनों पॉइंट का क्या होगा, जीरो। और उसको हम ऐसे को क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट। चलो हम लोग का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 फिर एस सी वर्मा का वॉल्यूम 2 पेज नंबर 1200 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में ये ऐसे एक वायर जोड़ा गया है, क्वेश्चन में एक ऐसे वायर को जोड़ा गया। अब बता दो इस वायर का अगर, तो इस वायर का रेजिस्टेंस जीरो बुक होगा, देख सकते हो। तो क्या इस वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, तो जीरो है तो बता ये अगर मैं इसको जितना एक्स लेट करूं तो वो भी, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो बता अब मैं इसकी बात करूं, ध्यान से देख, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 4 ओम इसके लिए। अब इसका एक एंड यहां एक्स है और दूसरा एंड भी यहां एक्स है, तो बता यहां क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द शॉर्ट सर्किट। अब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो दिस इज ए यूजलेस। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज ए यूजलेस। जब ये यूजलेस हो गया तो आप इसको हटा दें तो आपका सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। अब नाउ सर्किट इज 4 ओम 6 ओम 4 वोल्ट, दिस इज द 2 वोल्ट, क्लियर। अब देखो ध्यान से क्या कर सकते हो आप, क्या याद है केवीएल, क्या एक लूप है ये, तो ये जब बता अब ये एक लूप है तो क्या मैं यहां से करंट चल सकती है, बड़ा बैटरी यही है ना, तो बड़ा बैटरी से करंट को स्टार्ट करेंगे, तो करंट इधर चली, इधर आई, इधर आके और फिर चली गई। तो बता आप चलते यहां से यहां तो करंट के डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे याद कर, कितना होगा माइनस 4 इंटू आई, आई इंटू 4, अब इधर कुछ नहीं है, इधर आएंगे फिर इधर आएंगे करंट के डायरेक्शन में, तो माइनस 6 इंटू आई, इधर किधर से किधर जाएंगे प्लस से माइनस, तो कितना लिखेंगे माइनस 2 वोल्ट। इधर क्या आएंगे माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस 4 वोल्ट। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को, अब क्या लूप लूप लगा देंगे सबको एड करें, तो माइनस 4 किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू के वी एल। Now 4 into I minus 6 I minus 2 and plus 4 final is 0. और कितना जाएगा minus 10 I minus the plus 2 is 0. Now 2 is equal to 10 I. Now I is equal to 2 by 10. This is the 1 by 5 is equal to 0.02 ampere. That's answer. कोई दिक्कत? क्या इजी नहीं है? लोग फालतू का सोचते हैं ऐसी वर्मा डिफिकल्ट है, अब कॉन्सेप्ट को जानो। और मुझे अपना फील करता हूं मैं जितना इजी वे में कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आप लोग को, बहुत मुश्किल होगी। आप कितने भी यूट्यूब चैनल देख लो, किसी का भी देख लो, बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ शायद ही आपको फिर इस तरह का कहीं मिलेगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? तो आप इसको पॉज करके सारे क्वेश्चन क्लास प्रैक्टिस खुद से करो, और फिर जहां देखो ऐसा क्वेश्चंस, अगर आपके पास डीसी पांडे है तो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, आप खोज खोज के उसको बनाने की कोशिश करो।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो डिफरेंट टाइप का होता है कैसे करेंगे, उस सब पे बहस करेंगे।